पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने गाल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंका की जानिब से दिए गए 130 रन के हदफ को पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। हदफ के ताकब में कौमी टीम की जानिब से अमाम उल हक 50 और आगा सलमान 6 रन बनाकर नॉट आउट रहे। खेल के आखिरी रोज का आगाज हुआ तो पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 48 रन बनाए हुए थे, जबकि जीत के लिए 83 रन दरकार थे और करीज पर अमाम उल हक और कप्तान बाबर आजम मौजूद थे। बाबर 24 रन बनाकर प्रभात जयसूर्या का शिकार बने। बादाजा सावद शकील 30 और सरफराज अहमद 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। श्रीलंका की जानिब से प्रभात जयसूर्या ने 4 और रमेश मेंडिस ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैटर को श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में शानदार बैटिंग पर क्लियर ऑफ दी मैच की ट्रॉफी से नवाजा गया।